दोस्तों तो देखिए ये मुर्गे की तरफ से अभी ये जूस पिलाया जा रहा है और आगे मुर्गा क्या खिलाता पिलाता है, लेकिन मैं बता दूं ये पार्टी क्यों दे रहा है। इसका मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है, यहाँ से जाने वाला है, इसीलिए सोचे कि चलो इसको काट लेते हैं। तो यही है मुर्गा दोस्तों हमारा। रसियन लाएंगे दुल्हनियां, हम नहीं मतलब गाना है। हमारी हालत खराब हो गई, अभी सारे लोग आ जाए दोस्तों तो हम लोग खेले। तब तक ये दोनों खेल रहे हैं, बच्चे बच्चे दोनों छोटे छोटे, हम लोग बड़े बुजुर्ग खेलेंगे अभी। और इधर कृष्णा भी झूला झूल रहा है, तो चलिए हमारा गेम स्टार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। नहीं भाई रहने दे, मैं अपने खुद झूलूंगा, रहने दे। नहीं हाथ झुलाऊंगा, मैं झुलाऊंगा, मैं अपने से पहले झूल लेता हूँ। ये झुलाएगा बहुत जोर जोर से, कहीं फेंक फाक दिया उधर, नहीं फेंकूंगा, ऐसे ही कमर में दर्द है भैया। ना ना तू रहने दे, तू रहने दे, मैं खुद से झूलूंगा, मैं खुद से झूलूंगा गाइस। राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज संडे है तो सारे लोग लगभग लोग सो ही रहे हैं, एक आध दो जागे होंगे जहाँ तक मुझे पता है। हमारे साइड ये देखिए ये महाशय सोए हुए हैं, अरुण था, अरुण गया, हम भी जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अभी फिलहाल मैं अपना पानी का बॉटल ले लूँ, चलता हूँ नाश्ता करने, और नाश्ता में मुझे उम्मीद है कि घोड़े खाने वाली चना ही होगा। तो चलिए देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं दोस्तों। और मुझे कपड़ा भी धुलना है, आज तो मैं हाफ पैंट और टी शर्ट में हूँ, सिर्फ हल्की हल्की हवा चल रही है बाहर में, धूप निकल गई है इसीलिए मैं पहन लिया हूँ, बाकी मुझे ये सारा चीज़ धुलना है। तो चलिए पहले नाश्ता करके आता हूँ, उसके बाद कपड़ा धुलूँगा। फिलहाल देखता हूँ नाश्ते में क्या है, जहाँ तक मुझे पता है कि घोड़े खाने वाली चना ही रहता है, बाकी निकल के देखते हैं। और देखिए ये पर्सन अभी जाग गए, जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया मुँह घुमा लिए उधर। चलिए मेरा वीडियो बनाने से नींद तो खुल गया। और ये आशीष क्या है नाश्ते में? राधे राधे भैया। नीचे नहीं गए, चलो फिर हमला बोलते हैं, नीचे हमला बोलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या क्या है। और ये देखिए कितना मस्त धूप निकल चुका है, अब खैर धीरे धीरे गर्मी आ रहा है। ये धूप दोपहर में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, एकदम देह जलाने लगता है। अब मैं पानी वानी भरूंगा, पहले नाश्ता दे देता हूँ, क्या ठंडा लग रहा है गाइस। तो दोस्तों देखिए हमने बताया था आप लोगों को कि घोड़े खाने वाला चना ही होगा, देखिए घोड़े खाने वाला चना ही घोड़े खा रहे हैं। और अभी अभी यहाँ पे अगर ऐसे रहता है तो पूरा एकदम यहाँ पे अभी मार चल रहा होता नाश्ता करने के लिए। अभी एक का दुक्का आदमी नजर आएंगे, वो भी बिना आँख मांग धोए हुए। तो चलिए दोस्तों मैं अब इस ब्लॉग को समाप्त करते हुए खाना वाना खाता हूँ, खाना वाना खाने के बाद नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ये है मैं, देखिए ठंडा में हम हाफ पंटा में घूम रहे हैं। तो दोस्तों मैं नाश्ता करके आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ कपड़ा धुलने, उसके बाद क्रिकेट खेलने जाना है। कमर में तो दर्द है, लेकिन क्या करें, कमर टूट जाए चाहे कमर में दर्द रहे, आदत से लाचार खेलने तो जाऊँगा ही। और देखिए मेरे ब्लॉग बनाने से इस इंसान को फायदा है, इनको मैं जगा देता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ इनकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने का देखिए फायदा है, क्या करके अभी घोड़े खाने वाला चना उना लेकर के आ गए हैं खाने के लिए। और आज तो गाइस बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि ये बिस्तर सही होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम कपड़ा वपड़ा धुलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कपड़ा कैसे धुलना चाहिए। बाल्टी, और बाल्टी में तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी अभी अपने छत पे और कपड़ा धुलने के लिए मैं डाल दिया हूँ। देखिए ये मेरा सारा कपड़ा धुल रहा है, इसमें बेडशीट भी है और सब कुछ है, मतलब सारा डाल दिया हूँ। पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, और मुझे भी ठंडा लग रहा है क्योंकि हल्का आज कोहरा है, कल की तरह मतलब पूरा क्लियर धूप नहीं है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बट कोई नहीं, मैं हाफ पैंट पहना हूँ तो ये शरीर सेट हो जाएगा इस वातावरण में। स्टार्टिंग में थोड़ा ठंडा लगता है, फिर उस माहौल में सेट हो जाता है, तो हमारा शरीर अब सेट हो जाएगा क्योंकि पैर वैर सब भिगा लिए हूँ दोस्तों। और देखिए सुबह सुबह ही कोई सब कपड़ा वपड़ा धुल करके डाल दिया है, ताकि दोपहर होते होते पूरा एकदम यहाँ पर भीड़ लग जाता है धोने के लिए कपड़ा, क्योंकि आज के दिन छुट्टी रहता है। तो फिलहाल मैं अपना कपड़ा धुल लूं और इधर पानी भरने के लिए डाल दिया हूं, ताकि पानी से अच्छे से वॉश करके धुल दूं। और उसके बाद दोस्तों जाऊंगा अभी क्रिकेट खेलने के लिए। कुलदीप जी बोल रहे हैं कि चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मैं अभी कपड़ा धुल करके दोस्तों निकलता हूं क्रिकेट खेलने के लिए और मिलता हूं और आगे का एक्टिविटी आप लोगों को दिखाता रहता हूं हर रोज की तरह। दोस्तों हम लोग तो आ गए हैं ग्राउंड में खेलने के लिए, लेकिन अभी सारा प्लेयर नहीं आ रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा झूला झूल लूँ। और ये देखिए कृष्णा आ गया है मैं झूला झुलाने के लिए। नहीं भाई रहने दे, मैं अपने खुद झूलूंगा, रहने दे, नहीं हाथ झुलाऊंगा, मैं झुलाऊंगा, मैं अपने से पहले झूल लेता हूँ। ये झुलाएगा बहुत जोर जोर से, कहीं फेंक फाक दिया उधर, नहीं फेंकूंगा, ऐसे ही कमर में दर्द है भैया। ना ना तू रहने दे, मैं खुद से झूलूंगा, मैं खुद से झूलूंगा गाइस,
अभी सारे लोग आए नहीं है, ये झूलने से मना कर रहा है, मैं इसको झुलाता पूरी तेते नहीं, मैं तेते झूला भाई। गाइस देखो मैं इसको झुलाऊंगा। अबे नहीं ना भाई, ना भाई देखो ये मैं झुलाने दे रहा, देखो इसको फ्री में झुला रहा हूँ। एक बार ठीक। ए रुक जा, सीधा बैठने दे, सीधा बैठ ना भाई, सीधा बैठने दे, सीधा बैठ, तेरे को झुलाऊंगा ना पूरा बढ़िया करके। चल ये देखो गाइस, ये झुलाने से मना कर रहा है, ऐसा झुला दूंगा कि मम्मी अब नहीं भाई, अब नहीं भाई, अब नहीं भाई, ये डर गया है। अरे हमारी हालत खराब हो गई है, ये डर गया है। दोस्तों एक मैच समाप्त हो चुका है और हम लोग एक मैच हार चुके हैं, दूसरे की तैयारी में लगे हैं। देखिए रोक लिया बे, रोक लिए चौका हम, दूसरा नहीं हारेंगे, पहला हार गए, दूसरा मैच नहीं हारेंगे, दूसरा हम लोग जीतेंगे। कहाँ, अरे नहीं अभी मारेंगे सीधा, एक आध बार बाहर चला जाता, हर बार बाहर थोड़ी ना जाएगा। गाइज मेरा फोन फूट गया, बॉल लग गया फोन पे, ऐसे मारना जरूरी था क्या? लेकिन फूटा नहीं है, लगा है डिस्प्ले पे लेकिन फूटा नहीं है। और हम लोग वो ग्राउंड छोड़ करके दूसरे ग्राउंड में चले आए खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सब लोकल बच्चे आ गए तो वो लोग जबरदस्ती करने लगा, इसीलिए हम लोग छोड़ छाड़ कर चले आए और इधर में आकर खेले हैं। ये लोग बना दिए हैं 27-28 रन, अब हमारी बारी है तो हम भी बनाएंगे 40-45 रन। तो मैच अभी खेलने, उसके बाद मिलते हैं, आप लोगों को रिजल्ट घोषित करते हैं। दोस्तों हमारा लंच वंच हो गया, खेल के भी आ गए, अपना कपड़ा उठा कर भी ले आए, सारा कपड़ा हमारा सूख गया है, अब इसको मैं समेट करके रखूँगा और थोड़ा बहुत सोऊँगा, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। तो पहले इसको मैं समेट लूँ सब, इधर रख के चूड़ा देना और उसके बाद फिर मैं सोऊं। रसियन लाएंगे दुल्हनिया, हम नहीं मतलब गाना ऐसा है, तो चलिए गाइस मैं अपना सारा कपड़ा सीमेंट करके रखूं, उसके बाद खाना पीना तो खा ही लिया, थोड़ा बहुत आराम करेंगे, अपना ब्लॉग एडिटिंग कर ले, शाम के लझड़ा खत्म करें। तो चलिए पहले कपड़ा सीमेंट करके मिलते हैं आपको नहा रजाई से निकलने के बाद। दोस्तों हम तो सो गए थे, सो करके जागा हूँ, अभी क्रिकेट खेलने आ गया हूँ। देखिए उधर में टीम लोग बांट रहे हैं और मैं इधर झूला झूल रहा हूँ, और हमको सब अब सुधांशु बाबा बोलता है भाई, चंदन टीका देख करके ये तो बोल रहा है सुधांशु बाबा, मतलब मैं बाबा कहाँ से हो गया है, मुझे सब बाबा बोलने लगे हैं। दोस्तों ये तो बहुत गलत बात है, मैं तो बाबा टावा हूँ नहीं, लेकिन चलो जिनको जो अच्छा लगता है वो बोलने दो। तो दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक घटना हो गया, एक बच्चा था खेल रहा था, हम लोग जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे तो सड़क पे खेल रहा था, वहाँ पे आया एक गाड़ी वाला चढ़ा दिया बच्चे के ऊपर, हम लोग वहाँ से तो खेल वेल बंद कर दिए, बच्चे का ये पैर पर उठा दिया था, बच्चा हालांकि ठीक था, और हम लोग चले गए दूसरे ग्राउंड में खेलने के लिए, वहाँ पे खेलने नहीं दिए, लोकल लोग थे तो वो लोग खेल रहे थे तो हम लोग खेले नहीं, वापस आए देखिए वहाँ पे पुलिस आ गया जहाँ पे बच्चा को चढ़ाया था, अब पता चला कि जो गाड़ी लेकर के भागा था वो पकड़ा गया, वो क्या किया इधर से घूम कर गया वही कॉलोनी में आकर के गाड़ी खड़ा कर दिया, एक टेम्पो वाला था वो देख लिया उसको ला करके पकड़ के मारा उरा है, अब पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद इधर में ही है वो, और हम लोग चले आए और अभी जा रहे हैं कुलदीप जी खर्चा करने, कुलदीप जी नहीं सॉरी अश्वनी, अश्वनी जा रहा है खर्चा करने, नया मुर्गा कटने जा रहा है, अच्छा भैया रूम में है, एक बार अगर दिक्कत आ जाती है तो फिर बार बार वो, तो अभी आ जाए दोस्तों तो फिर हम लोग चलें और उसको काटें। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट और ये है मुर्गा, देखिए आज इसकी होगी कटाई और आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में कि क्या क्या कटाई में खिला पिला रहा है, ये वो कटाई नहीं जो काट करके पका खाएंगे, ये जो खिलाएगा उसको भी हम कटाई बोलते हैं दोस्तों। तो मैं तीनों जा रहा हूँ, ये और मी। दोस्तों तो देखिए ये मुर्गे की तरफ से अभी ये जूस खिलाया जा रहा है और आगे मुर्गा क्या खिलाता पिलाता है, लेकिन मैं बता दूं ये पार्टी क्यों दे रहा है, इसका मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है, यहाँ से जाने वाला है, इसीलिए सोचे कि चलो इसको काट लेते हैं। तो यही है मुर्गा दोस्तों हमारा, और एक ये मुर्गा के ये हैं वो अधिकारी, अभी ये खा लेते हैं फिर देखते हैं ये मुर्गा आगे क्या खिलाता है। बनाना से खेला इतना देर
इतना देर पिए हैं उसके बाद पता चला कि बनाना से। तो दोस्तों हम लोगों का पार्टी पौआ हो नहीं पार्टी हो गया पौआ नहीं हुआ है। और आज असबनी हम लोगों को बहुत मस्त से खिलाया पिलाया, देखना गड्ढा उठाना, खिलाया पिलाया और क्या क्या खिलाया भी, बनाना से पिलाया और पलंग रोड है तो पलंग रोड नहीं है, सोच रहा कि मैं भी आऊँ वीडियो में, ऐसा सोच रहा है। तो असबनी वो बनाना से खिलाया पिलाया, उसके बाद फिर पानी पूरी खिलाया, बर्गर खिलाया, बर्गर बढ़िया नहीं था फेंक दिया, लेकिन बेचारा खिलाया, ज़बरदस्ती खिलाया, मैं मना कर रहा था फिर भी खिलाया कि नहीं खा ले, तो बहुत बढ़िया। और एडवांस में हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, और मैं इसको गिफ्ट दे दूँगा दोस्तों, वो मैं कुरियर करवा दूँगा घर पर, एड्रेस दे देना। और हमारे कुलदीप जी हैं जो आगे आगे जा रहे, देख देख कितना कितना क्लियर देखता है, देख लगता है तुमको कि गिर जाएगा आदमी, वो जो इस ब्लॉक को आगे तक धूप मजे रहे, कहाँ जाएगा आगे तक उजाले में चलते ना, बोलना बोलना है इस ब्लॉक को 14 तारीख के बाद ही खेलना, जनता देख रहे हो देख रहे हो इसका हर कोई देखेगा तो कहेगा साले छुट्टी लेके गया उसके लिए गया इसके लिए गया, बोले 3 दिन बाद डलता है भाई, मतलब आज 12 13 14 15 बड़ा कोई रिकॉर्ड किया 3-4 दिन बाद ही डलता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना जल्दी नहीं डालता क्योंकि मेरे पास ना मतलब 3 वीडियो रहता है 3 दिन का, क्योंकि क्या होता है कभी कभी साइड पे हम फंस गए तो उस टाइम में वीडियो कैसे डालूंगा, मेरा मतलब जो वो है रन जो बना है वो बनता रहे चलता रहे, इसीलिए तो मैं 3 दिन बाद डालता हूँ कोई भी वीडियो। और मिनी ब्लॉग जो होता है जैसे आज जो रिकॉर्ड किया ना वो तो 1 हफ्ता बाद डालता हूँ, 1 हफ्ता बाद, 1 हफ्ता का रिकॉर्डिंग मेरे पास रहता है, सबको रखता हूँ एडिटिंग वगैरह कर करके उसको डालता हूँ, सिर्फ रोज़ वॉइस ओवरिंग करता हूँ और लॉन्ग ब्लॉग का एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि एक दिन में कर नहीं पाते, इधर क्रिकेट खेलना ये वो फलाना डिम का ड्यूटी व्यूटी जाना, तो अब नाइट ड्यूटी के तो सोना भी है, इसी में सारा कुछ करना है, घर पर बातें करना है, इसीलिए। तो चलिए जनता अब आज का ब्लॉग इधर ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।